हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां मैं आपके लिए 2D होम प्लान और 3D हाउस डिज़ाइन का वीडियो लेकर आता हूं। आज हम बात करेंगे एक 29 फीट बाई 30 फीट में मात्र 2 डिसमिल के ज़मीन में इस तरह से आप प्लान डिज़ाइन कर सकते हैं अपने घर के लिए। और ये लगभग 870 स्क्वायर फीट में हमने इस प्लान को बना के तैयार किया है। तो अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो इस तरह से प्लान कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। और चलिए हम एक एक करके आपको डायमेंशन बताते चलेंगे, काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से मेन डोर का मैंने एंट्री डाला है, एंट्री पॉइंट है जो कि होम प्लान का। और इसका मैंने 3.5 से 4 फीट का आप ज़रूर जगह रखें डोर के लिए, ओपनिंग डोर के लिए। तो 3.5 फीट तक मैंने इसमें जगह रखा है। तो जैसे ही आप इंटर करते हैं ये मेन डोर से, तो आपको एक वेटिंग एरिया या फिर बरांडा की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि वेटिंग वेटिंग के लिए। तो मैंने इसका साइज रखा है जो कि 6 फीट बाई 10 फीट का हमने इसका साइज रखा है। वेटिंग या फिर आप इसे बरांडा बोल दीजिए, एकदम से आप होम प्लान में इंटर ना करें, इसके लिए मैंने इस तरह से डिज़ाइन दिया है। और इसे आप बरांडा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हमने ये लिविंग एरिया के लिए कुछ इस तरह से जगह रखा है, लिविंग एरिया या फिर हॉल। और लिविंग एरिया के साइज की अगर बात करें तो ये 12.5 फीट बाई 12 फीट 6 इंच बाई 10 फीट का हमने इसका चौड़ाई रखा है। तो कुछ इस तरह से लिविंग एरिया का साइज है। तो काफ़ी अच्छा ये लिविंग एरिया का साइज आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये 12 फीट का हमने ये लंबाई रखा है और 10 फीट का ये हमने चौड़ाई रखा है। तो कुछ इस तरह से हमने लिविंग एरिया हॉल की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसी के हम लेफ्ट साइड अगर देखें तो मैंने किचन के लिए कुछ इस तरह से जगह रखा है, जो कि साइज की अगर बात करें किचन, और किचन की अगर साइज की बात करें तो 8 फीट बाई 10 फीट का हमने किचन का साइज रखा है। तो कुछ इस तरह से मैंने 1.5 से 2 फीट का प्लेटफॉर्म, किचन प्लेटफॉर्म इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। आगे हम बात करते हैं आपको लिविंग एरिया एंड किचन, इसमें आपको मैंने एक लोबी की तरह, तो चाहे इसमें आप चाहे तो डाइनिंग के पर्पज़ पे इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। और साइज की अगर बात करें तो ये 10 फीट बाई 6 फीट का हमने इसमें डाइनिंग का कुछ इस तरह से 10 फीट का अप्रोक्स यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने रखी है। और ये चौड़ाई की बात करें तो 6 फीट का हमने डाइनिंग एरिया एक, अब चाहे तो इसमें लोबी की तरह यूज़ करें या फिर डाइनिंग एरिया भी इसमें बना सकते हैं। तो आपको जगह मिलती है, तो अब आपके अकॉर्डिंग जिस तरह से आप डिज़ाइन करना, मतलब आप जिस तरह से पसंद करें उस तरह से आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसमें एक लेफ्ट साइड में एक कॉमन टॉयलेट देखने को मिल रहा होगा, जो कि कॉमन कॉमन टॉयलेट। और कॉमन टॉयलेट के साइज की अगर बात करें तो 3 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का हमने कॉमन टॉयलेट का साइज रखा है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक की 3.5 फीट की दूरी रखी है एंड 6 फीट का ये लंबाई हमने रखा है। तो ये कॉमन टॉयलेट का साइज हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इसके लेफ्ट साइड में, जो कि सीढ़ी आपको दिख रहा होगा, सीढ़ी वाले रूम। सीढ़ी के लिए हमने 6 फीट का चौड़ाई रखा है, 6 फीट वाइड इस तरह से सीढ़ी के लिए हमने रखा है। और इसका ये अप डायरेक्शन मतलब चढ़ने की दिशा, इस तरह से आपको क्लॉक वाइज इस तरह से चढ़ना होगा सीढ़ी। तो कुछ इस तरह से आप पहला मंजिला पे जाने के लिए सीढ़ी का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से प्लान था। आगे हम बात करते हैं इसमें बेडरूम के बारे में, जो कि फर्स्ट बेडरूम। और बेडरूम के अगर साइज की बात करें तो 11.5 फीट बाई 11.5 फीट। तो कुछ इस तरह से मैंने फर्स्ट बेडरूम का साइज रखा है, 11.5 फीट बाई 11.5 फीट का बेडरूम का साइज है, जो कि फर्स्ट बेडरूम है। तो कुछ इस तरह से देखिए। आगे हम बात करते हैं सेकेंड बेडरूम के बारे में। ये 2 BHK का हाउस प्लान है और ये सेकेंड बेडरूम देखिए कुछ इस तरह से। और सेकेंड बेडरूम की अगर साइज की बात करें तो 11 फीट 6 इंचेस का हमने बेडरूम का सेकेंड बेडरूम का साइज रखा है। तो कुछ इस तरह से देखिए, इस फर्स्ट बेडरूम के लिए यहाँ पे आपको डोर एक लग प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि 3.5 से 3 फीट का आप डोर लगाएं अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे मैंने एक सेकेंड बेडरूम के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको डोर लगाना पड़ेगा इस तरह से। एंड सेकेंड बेडरूम में आपको एक अटैच टॉयलेट, जो
बेडरूम के साइज की बात करें तो ये 4 फीट बाई 7 फीट 7 इंचेस का हमने ये अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया है। तो देखिए एक बार हमको शुरू से आपको बताता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मेन एंट्री हमने डाला है एंड वेटिंग के लिए या फिर बरामदा के लिए मैंने कुछ इस तरह से जगह रखा है। लेफ्ट साइड आप देखेंगे तो ये लिविंग एरिया के लिए कुछ इस तरह से 12.5 फीट बाई 10 फीट का हमने लिविंग एरिया रखा है। राइट साइड में हमने ये किचन के लिए कुछ इस तरह से जगह रखा है जो कि 8 फीट बाई 10 फीट का है। किचन में ही आपको इस तरह से लॉबी, यहाँ से देखिए यहाँ पे भी आप डोर चाहे तो लगा सकते हैं या फिर इसको आप ओपन ही छोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको जगह मिल जाता है। तो इस जगह को आप डाइनिंग एरिया या फिर एज अ लॉबी की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड में आपको किचन कॉमन टॉयलेट देखने को मिल रहा होगा जो कि 3.5 फीट बाई 6 फीट का हमने इसका जगह रखा है। लेफ्ट साइड में हमने स्टेयरकेस जो कि सीढ़ी वाले रूम के लिए 6 फीट का चौड़ाई रखा है एंड ये लगभग 11 से 12 फीट तक का आप इसमें डिस्टेंस मतलब इसके लेंथ रख सकते हैं। फर्स्ट बेडरूम की बात करें तो ये 11.5 फीट बाई 11.5 फीट का आपको एक बेडरूम मिलेगा एंड सेकेंड बेडरूम में देखिए कुछ इस तरह से 11.5 फीट बाई 11.5 फीट का सेकेंड बेडरूम एंड उसमें हमने अटैच टॉयलेट प्रोवाइड किया। तो कि इस तरह से प्लान था। और फिर अगर डिटेल में आप कोई चाहते हैं प्लान तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। और अपने एरिया के अनुसार अगर प्लान बनाना डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कैसा लगा ये प्लान हमको ज़रूर कमेंट करें इसके बारे में। और आगे भी मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर प्लान लेकर आने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर। बाय।